शहबाज शरीफ साहब को 2 माह हो चुके हैं और 1 साल अभी जनरल इलेक्शन में बाकी, आप क्या समझते हैं उनको 1 साल देना चाहिए या नया इलेक्शन होगा? मेरी 52 साल एज है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तो ये पैगाम दूंगा कि इस मुल्क पे जो गांडू गुंडे बदमाश लुटेरे डाकू मुसल्लत हो चुके हैं, हमने 52 साल की एज में कभी नहीं सुना था कि 5 रुपए या इससे ज़्यादा पेट्रोल बड़ा हो, ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपए। लेकिन इन्होंने जो 2 माह में मुल्क को आग लगाई है डाकुओं ने, बदमाशों ने, लुटेरों ने, हम कहते हैं साल तो बहुत दूर की बात है, एक लम्हा भी हमें नज़र ना आए। अल्लाह ताला हमें ऐसा हुक्मरान अता फरमाए जो इस मुल्क की सलामती के लिए, इस मुल्क के लिए, इस अवाम के लिए, इस मिल्लत के लिए, इस सरजमी के लिए कोशा हो। ऐसा कोई हुक्मरान आपको अभी नजर आ रहा है फिलहाल? हम दुआ को हैं बारगाह इलाही में, उसके दरबार में किसी चीज की कमी नहीं है, मगर हम इन लुटेरों से, डाकुओं से, बदमाशों से तंग आ चुके हैं। चूंकि ये वो लुटेरे हैं, कभी नून ग्रुप के हाथ में हुकूमत और कभी पीपल्स पार्टी के हाथ में हुकूमत, ये सारे के सारे लोटे इन्होंने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है। आज लोग जो है अपने घर में खाना सुकून से नहीं खा सकते, किराएदार किराया नहीं दे सकते, बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते, जो बच्चों का खाना है पूरा नहीं कर सकता, वो बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? आप क्या समझते हैं हुकूमत जो चेंज हुई है उसमें कोई अमेरिकी साजिश भी है या फिर अंदरूनी जो मामलात हुए हैं वो थे? ये सारे के सारे अमेरिका के इशारे पे हो रहा है और उनके साथ जो हमारे खास लोग हैं वो मिले हुए हैं। हम ये उनके लिए बार बार इल्तजा करेंगे कि बेहतर है तुम्हारे लिए कि अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर कोई अजाब भेजे, अजाब आने से पहले इस मुल्क को छोड़ दें, इस सरजमीं को छोड़ दें और अल्लाह के अजाब से डरें। ये इतनी मखलूक पे मुसल्लत होकर जो जुल्म और सितम कर रहे हैं उसकी कोई हद नहीं है। आने वाले इलेक्शन में किसको सपोर्ट करेंगे? इंशाअल्लाह ताला आने वाले इलेक्शन में हम उसे सपोर्ट करेंगे जो हुक्म मुल्क के लिए, कौम के लिए, इस्लाम के लिए कोशा होगा। सर इलेक्शन होना चाहिए, नया इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन इलेक्शन से पहले जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है ना वो बहुत ज़रूरी हैं। उसके बगैर चाहे 1 महीने में इलेक्शन हो चाहे 4 महीने में इलेक्शन हो, वो किसी सूरत भी कबूल नहीं है, ठीक है ना। बाकी शहबाज शरीफ को बिल्कुल टाइम नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। फौरन जो है अबूरी गवर्नमेंट बननी चाहिए और इलेक्शन की तरफ हमें जाना चाहिए, लेकिन जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। इसमें सबसे बड़ी रुकावट PMLN की तरफ से हमें नज़र आती है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ, जो इन्होंने जो EVM मशीन बनाई उसमें भी ECP का भी थोड़ा सा बिहेवियर डिफरेंट था, उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि इनके क्या मुफादात ऐसे हैं कि ये उसे कबूल नहीं कर पाए? ये पिछले 40 साल से गवर्नमेंट में होते हैं और ये इस चीज़ को ना, ये जो टैक्स हैं, मतलब किस तरीके से किसी को मैनिपुलेट करना है, किस तरीके से किसी की लेग पुलिंग करनी है, ये इसमें माहिर हो चुके हैं, ठीक है। ये जानते हैं कि किस गवर्नमेंट को कैसे फेल करना है, किस लीडर को कैसे डिग्रेड करना है, इनसे बेहतर और कोई नहीं जानता, ठीक है ना। ये अपना हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि ईमानदार और ऑनेस्ट लीडर्स हैं उनको मैनिपुलेट करने की। हुकूमत जो चेंज हुई है ये अदम एतमाद था या रजीम चेंज ऑपरेशन था, क्या समझते हैं? इस पर मैं कुछ नहीं करूँगा। अच्छा, इस पर आप कमेंट नहीं करेंगे। मुझे ये बताएं कि जनरल इलेक्शन आने वाले जो साल में होगा उसमें आप किसको सपोर्ट करेंगे और क्या समझते हैं कि कौन सी पार्टी 2/3 अक्सरियत से कामयाब हो सकती है? सर 2/3 अक्सरियत तो यहाँ पे किसी को भी नहीं मिल सकती कभी भी, क्योंकि जो एस्टेब्लिशमेंट जिसको चाहेगी उसको लिमिटेड सीट्स देगी, 2/3 अक्सरियत किसी को भी नहीं देगी, ठीक है ना। और उसके बाद क्या पूछा था आपने? उसके बाद यही क्वेश्चन था कि आपको क्या लग, आप किसको सपोर्ट करेंगे इलेक्शन? सपोर्ट सर ऑप्शन और कोई नहीं है हमारे पास इमरान खान के अलावा, ठीक है ना। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन है, इमरान खान साहब के साथ नो डाउट जलसों में आवाम बहुत आई है, मगर आप समझते हैं सिर्फ अवाम के जोर पर इक्तदार में आ सकते हैं वो, या एस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुकात को अच्छा करना हो? ये तो ज़रूरी है, एस्टेब्लिशमेंट भी अपने मफाद के लिए है, ठीक है, जहाँ पे उनको अपना मफाद नज़र आता है एस्टेब्लिशमेंट भी उसके साथ है। पहले नून लीग को उन्होंने हटाया, फिर नून लीग को वो वापस ले आए, ठीक है ना। तो अवाम जो है, अवाम जितनी मर्जी निकल आए लेकिन ये 2/3 अक्सरियत नहीं है, ये 1/3 अक्सरियत भी नहीं है जो अवाम जलसों में आती है, ठीक है ना। इससे हज़ारों गुना अवाम अभी घरों में पड़ी है और वोट भी 50% अवाम वोट भी नहीं देती, बिल्कुल घरों में बैठी रहती।